बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। वी वर प्रीवियसली डूइंग द लेसन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। वी विल कंटिन्यू। प्लीज ओपन पेज नंबर 84। टुडे द टॉपिक इज मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी हमारे मुल्क में पानी को किस तरीके से सप्लाई किया जाता है। इसमें डिफरेंट तरह की हमारे पास रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डैम्स एंड बैराजेस, नंबर टू कैनाल, वेल्स एंड कारेज सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू डैम्स एंड बैराजेस। डैम्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम पानी को दरियाओं से या डिफरेंट तरीके से जहाँ से भी पानी आता जाता है उसको हम एक जगह पर जमा कर लेते हैं, और बैराज भी जो है उसको रोकने के लिए, पानी के रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डैम्स आर आर्टिफिशियल लेक्स दैट स्टोर वाटर फॉर द फ्रॉम ओवरफ्लो रिवर्स एंड रिलीज कंट्रोल्ड अमाउंट बैक इनटू द रिवर व्हेनेवर नीडेड। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि डैम्स जो हैं, यहाँ पर हमें तरबेला डैम बताया गया है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए आप पानी यहाँ पे आके सारा जमा हो रहा है और इधर से आके यहाँ पे डैम बनाया गया है। फिर डैम में से पानी को जो है वो इस तरह से डिफरेंट तरह से रिजर्वायर्स में से आहिस्ता आहिस्ता करके एक उसमें, इसके बाद एक जोर जोर के फ्लो से जब ये पानी निकलता है, एक तो इससे बिजली प्रोड्यूस होती है, दूसरा इस वजह से हम पानी जो है वो अपनी मर्ज़ी का फ्लो जो है वो अपनी उससे मूव कर सकते हैं। जैसे डैम्स आर आर्टिफिशियल लेक्स, ये गैर कुदरती पानी के लेक्स होते हैं, दरिया होते हैं। एक तो कुदरती जो अल्लाह ताला ने बनाया है, और एक ये जो हम इंसानों ने इनको बनाया हुआ है, दैट स्टोर वाटर, और ये क्या करते हैं, ये पानी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। फ्रॉम ओवरफ्लोइंग रिवर्स, दरिया में जो गैर ज़रूरी पानी होता है और वो जो सैलाब में भी बाज़ दफ़ा सैलाब की हालत में जो है वो पानी जो है वो बह रहा होता है, ये इसको जमा कर लेता है। एंड रिलीज कंट्रोल अमाउंट बैक इन टू द रिवर्स, और जब उनको चाहिए होता है अपनी मर्जी के मुताबिक वो पानी को छोड़ते हैं, ताकि इससे क्या होता है, एक तो सैलाब नहीं आता, दूसरा पानी जो है वो हम महफूज कर लेते हैं, बजाय इसके कि पानी बहता बहता आखिरकार समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, उस पानी को हम डैम से अपने पास स्टोर कर सकते हैं। कंट्रोल अमाउंट बैक इन टू द रिवर्स वेर एवर नीडेड, और जब भी हमें चाहिए होता है हम इसको खोल देते हैं और इसमें से पानी निकल जाता है। So many dams have been built in valley in the northern regions of Pakistan. तो हमारे मुल्क में बहुत सारे जो हैं, हमने वैली में, वैली किसको कहते हैं, वादी को, तो उधर बहुत सारे डैम्स हमने बनाए हैं हमारे नॉर्दर्न रीजन्स में। नॉर्दर्न रीजन्स में हमारे बहुत सारे जो हैं हमने डैम्स बना लिए हैं। स्मॉल डैम्स एंड बैराजेस आर बिल्ड नियर द फ्लड प्लेन्स, और छोटे छोटे डैम्स हमने बनाए हैं जहाँ पे फ्लड प्लेन्स, यहाँ पे सैलाब का पानी आता है, तो उन जगह को पानी को संभालने के लिए हमने छोटे छोटे डैम्स ही बनाए हुए हैं। बैराजेस आर फ्लड गेट्स यूज्ड टू स्टॉप और डाइवर्ट द फ्लो ऑफ रिवर, तो ये बैराजेस जो हैं ये क्या है, फ्लड गेट्स, यानी पानी छोड़ने के लिए उसको रोकने का दरवाज़ा, यानी ये आप यहाँ पर मुश्किल लफ्ज़ जो हैं ये आप लिख सकते हैं। फ्लड गेट्स क्या होते हैं कि रोकने का दरवाज़ा है, या जिस वक्त आपका दिल चाहेगा गेट से गेट खोल देंगे तो पानी निकल जाएगा, और जब गेट बंद कर देंगे तो पानी वहाँ पे रुक जाएगा। यूज़ टू स्टॉप और डाइवर्ट, डाइवर्ट का मतलब होता है पलटना, किस चीज़ को पलट सकते हैं, फ्लो ऑफ रिवर, यानी या तो आप दरिया के रुख को पलट सकते हैं, इससे दरिया जो है वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, आगे दरवाज़ा आ जाएगा, और या फिर उसको छोड़ देंगे तो वो दरिया से पानी आगे चला जाएगा। देयर इज़ नो रिजर्वायर अटैच टू द बैराज, और जो है ये ज़्यादातर जो है इनके साथ जो बैराज होते हैं इसको रोकने के लिए, उसमें कोई ख़ास तौर पे ज़्यादा ख़ास वो नहीं होता, रिजर्वायर नहीं होती कि जिससे वजह से ये रोका जाए, ये सिंपल आके बैराज जो है इसको रोकने के लिए दरवाजे के तौर पे इस्तेमाल होता है। मोस्ट बैराजेस आर लोकेटेड ऑन द प्लेन्स ऑफ सिंध, और ये सिंध में जो है लोकेटेड का क्या मतलब होता है, पाए जाते हैं, बहुत सारे बैराजेस ज़्यादातर सिंध में पाए जाते हैं। अब डू यू नो में आपको बताया गया है, सम मेजर डैम्स ऑफ पाकिस्तान आर तरबेला ऑन द इंडस इन द हरिपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी हमारे तरबेला डैम जो है वो कहाँ पे है, हरिपुर डिस्ट्रिक्ट में है, खैबर पख्तूनख्वा में। फिर वर्सक ऑन द काबुल रिवर नियर पिशावर, जो हमारा वर्सक रोड है, इसीलिए वर्सक रोड कहलाया जाता है क्योंकि यहाँ पे आगे जाके वर्सक डैम आ जाता है, ये काबुल रिवर के ऊपर जो है नियर पिशावर पास के, हमारे पिशावर में ये वहाँ पे पास ही है। मंगला ऑन द जेहलम रिवर इन आज़ाद कश्मीर,
आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम है, खानपुर ऑन द हरू रिवर, हरू रिवर जो है वो इस्लामाबाद के पास है, खानपुर डैम है वहाँ पे। प्रोमिनेंट बैराजेस ऑन द रिवर इंक्लूडेड गुड्डू बैराज, ये सारे बैराजेस के नाम हैं जो जो हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, गुड्डू बैराज, कोटरी बैराज, सखर, इनसिन एंड जिना, रसूल, तोनसा एंड चश्मा बैराज इन द पंजाब, यानी ये सारे पंजाब, हमारे पंजाब और के पी के और इन सब में ये वाले डैम्स और ये बैराजेस जो है मौजूद हैं। ठीक है, नाउ पेज नंबर 85, कैनाल्स। कैनाल्स किसको कहते हैं? कैनाल कहते हैं नहरों को। जैसे आप पिक्चर में ये देख रहे हैं, ये एक कैनाल है, ये नहर है जिसमें से पानी गुजर रहा है। अब हम इसको रीड करते हैं, कैनाल्स। आप साथ लिख सकते हैं कैनाल का क्या मतलब होता है, नहरें। अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कैनाल इन द पंजाब एंड सिंध कैरीज वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू फॉर्म्स एंड फील्ड्स, यानी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे मुल्क में, कहाँ पे, पंजाब और सिंध में, यानी पंजाब और सिंध में। ह्यूज का मतलब है बहुत बड़ा, यानी नेटवर्क का मतलब है जाल, यानी हमारे पंजाब और सिंध में बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है किस चीज़ का, पानी का, जिसके फॉर्म ऑफ फ्रॉम द रिवर्स एंड टू फॉर्म्स एंड फील्ड्स, जिन नहरों के ज़रिए हम पानी को जो है वो डिफरेंट किस्म के खेतों में और फील्ड्स में और हर तरह की जो पानी की जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाया जाता है, जिससे ज़रात होती है और हमारे खेतों को पानी मिलता है। दिस सिस्टम कवर्स अबाउट 73% ऑफ ऑल एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान। तो हमारे मुल्क का तकरीबन 73% जो है वो सारा ज़रात का जितना भी इलाका है, ज़रई इलाका है जहाँ पे हमें ज़रात की ज़रूरत होती है, वो सारा यहाँ पे कवर हो जाता है। द टोटल लेंथ ऑफ द कैनाल इन द सिस्टम इज़ मोर देन 85,000 किलोमीटर्स। और सारी जो हम अगर नहरों की लंबाई कर देखें, लेंथ का मतलब होता है लंबाई इन द सिस्टम, तो वो कितनी ज़्यादा है, 85,000 किलोमीटर्स, इतनी लंबी नहरों का जाल हमारे मुल्क में बिछा हुआ है। कैनाल इरीगेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर। और कैनाल इरीगेशन का जो सिस्टम है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी नहरों का जो जाल है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना पानी है। अब दरियाओं में जितना पानी होगा उतना ही आगे जाके वो नहरों में जाएगा और नहरों से जो है वो खेतों में जाएगा। तो हमारे मुल्क में जो नहरों का जाल बिछा हुआ है वो उसके सारा पानी जो है वो मुल्क में कितना, 73% जो है वो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वेल्स। वेल किसको कहते हैं, कुएं को। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आप ये देखें कि पर्शियन वेल हमें बताया हुआ है, इसके साथ बैल होता है और बैल के साथ जो है ये इस तरह से ये मूव करता है और यहाँ से पानी जो है वो निकलता है। ये देखें इधर पानी के डोर लगे होते हैं जिसमें से पानी जो है वो आगे जाता है। Wells, another method of irrigation fields is by digging shallow wells to reach the underground water. एक और method जो है irrigation का वो उसमें क्या है, खुदाई के लिए हम क्या करते हैं, shallow well। shallow well कहते हैं वो जगह जहाँ पे कम गहरा पानी होता है, तो ताकि वो underground पानी तक जो है वो हम कैसे उसको करते हैं, कुआं खोद के। A large bell-like structure called Persian wheel is used to obtain water from these wells. एक बड़ा सा जो है वो व्हील होता है, उसमें ये देखें यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक बड़ा सा गोल व्हील होता है, उसके साथ जो है पानी को बाहर निकाला जाता है। Since these wheels are not deep, they soon dry up or become stagnant. तो क्योंकि ये पानी जो है बहुत गहरा नहीं होता, ये पास से ही पानी को निकाला जाता है, तो कुछ अरसे के बाद ये सूख जाता है। स्टैग्नेंट का मतलब होता है सूख जाना और पानी आना रुक जाता है। फिर ट्यूब वेल्स आर डग डीप इनटू द ग्राउंड। ट्यूब वेल्स जो हैं वो डीप पानी के अंदर खोदे जाते हैं। डग का मतलब होता है खोदना। अ मोटर और इलेक्ट्रिकल पंप ड्रॉज वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स रिजर्वायर फ्रॉम वेयर फार्मर्स कैन सेंड इट इन टू द फील्ड्स एज रिक्वायर्ड। तो ट्यूबवेल में क्या होता है कि मोटर जो है, इलेक्ट्रिक पम्प जो है वो लगाई जाता है, मोटर से पानी खींचा जाता है नीचे से, अंडरग्राउंड से, और फिर जो है वो आगे जो है वो स्टोर हो जाता है तालाब में और जहाँ से जो है वो किसान आगे उसको भेज देते हैं। इसके बाद है कारेज सिस्टम।
ये कारेज सिस्टम जो है ये पुराने ज़माने का है, ये मतलब आजकल का नहीं है, ये बहुत पुराना था। द कारेज सिस्टम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन इरीगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया का सबसे पुराना जो है आपाशी का निज़ाम जो है उसमें ये कारेज सिस्टम इस्तेमाल होता था। इट इज़ वाइडली यूज इन बलूचिस्तान, ये ज़्यादातर बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर यूज़ होता है। वाइडली का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। टू मेक अ कारेज अ वेल इज डग ऑन द हाई ग्राउंड ऑन द टॉप एंड द अंडरग्राउंड वाटर, इसके लिए क्या करते हैं कि एक ज़मीन के अंदर दूर तक खुदाई करते हैं। जब पानी मिल जाता है, व्हेन द वाटर इज फाउंड अ सुरंग, अ टनल जो है वो टनल बनाते हैं उसमें से, सुरंग में से स्लोपिंग डाउन इनटू द डग फ्रॉम द वाटर सोर्स टू ब्रिंग दैट वाटर इनटू द टारगेट एरिया डाउन हिल, अ सीरीज ऑफ नैरो वेल्स आर डग एट सेवरल पॉइंट्स टू हेल्प चेक द वाटर फ्लो। अब ये आप देखें यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मदर वेल से कुआं खोदा जाता है, ठीक है, यहाँ कुआं, यहाँ पानी है, इधर इस जगह पे पानी जब आपको मिल जाता है तो इधर यूँ सीधी अंदर ही अंदर टनल बनाई जाती है। ये देखें ये टनल जा रही है यहाँ तक, इमर्जिंग पॉइंट है जहाँ पे आपको चाहिए कि पानी अब निकल आए, तो ये देखें इन्होंने अंदर ही अंदर इसको सुरंग से पानी को यहाँ तक पहुँचाया हुआ होता है। और फिर हम जब इस तरह से ये करते हैं तो हमारा पानी जो है वो खेतों तक फॉर्म लैंड पे जो हम सप्लाई कर सकते हैं। ये पुराने ज़माने का तरीका था और इसमें जो है इस तरह से बलूचिस्तान में, क्योंकि अगर हम बाहर पानी को पहले ही निकाल देंगे तो हवा में एवेपरेट हो जाएगा और हमें उस तरह पानी नहीं मिलेगा। यहाँ अंडरग्राउंड से ही ये पानी जाता जाता हमें जहाँ पे निकालना होता है उस जगह पे आके इसको हम ओपन करते हैं और वहाँ से हम पानी जो है वो सप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव फुली अंडरस्टैंड दिस लेसन। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।